हार जीत के कारण पाले व्यापारी बदलते हैं, विचारों के अनुयायी नहीं। लड़ूंगा, जीतूंगा और मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा, ऐसा कहने वाले हार्दिक पटेल हाथ छोड़ चुके हैं। सोनिया गांधी को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी उन्होंने और इस चिट्ठी के साथ ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के मन में कई सवाल कौन से रहे हैं, जिसमें से दो सवाल अहम हैं। पहला, हार्दिक क्यों चले गए और दूसरा, हार्दिक कहाँ जाएंगे। हार्दिक क्यों चले गए, इस सवाल का जवाब दो नज़रियों से दिया जा सकता है। एक नज़रिया होगा हार्दिक का नज़रिया और दूसरा तथ्यों का नज़रिया। हार्दिक का नज़रिया क्या कहता है, वो क्यों गए पार्टी से, वो बताते हैं। हार्दिक ने इसका जिक्र अपनी चिट्ठी में ही किया है। हार्दिक ने कहा है कि कांग्रेस के जो शीर्ष के नेता हैं वो अपने ही लोगों की बातें सुनने की बजाय मोबाइल में बिजी रहते हैं, यानी कि अपने ही लोगों की बातें सुनते नहीं हैं, उन्हें गंभीरता से लेते नहीं। हार्दिक ने यह भी कहा कि गुजरात के जितने भी बड़े नेता हैं उनकी चिंता मुद्दों को लेकर नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि दिल्ली से अगर कोई नेता आता है तो उसके पास चिकन सैंडविच पहुंचा या नहीं पहुंचा। हार्दिक ने एक और आरोप लगाया। हार्दिक ने कहा कि CAA, धारा 370, राम मंदिर, इन सब मुद्दों पर कांग्रेस ने सरकार का अंध विरोध किया। इसके अलावा हार्दिक ने एक और बात कही। हार्दिक ने यह कहा कि जब देश संकट में था और जब कांग्रेस को नेतृत्व की आवश्यकता थी, उस वक्त कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व विदेश में था। और भी कई आरोप हार्दिक पटेल ने लगाए और इन आरोपों के साथ त्यागपत्र दिया और कहा कि अब वो गुजरात के लिए सकारात्मक रूप से काम कर पाएंगे। तथ्यों का नजरिया क्या कहता है वो आपको बताते हैं। हार्दिक एक युवा नेता है, महत्वाकांक्षी है, पटेल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो कि मजबूत दखल रखता है गुजरात की राजनीति में। पाटीदारों के आंदोलन के बाद हार्दिक पटेल एक युवा नेता के रूप में उभरे। आरक्षण और 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाने के कारण पटेल समुदाय बीजेपी से खिन्न था। हार्दिक भी बीजेपी के साथ तारतम्य तो बिठा नहीं पाए। आंदोलन के बाद जब नेता बनकर उभरे तो उन्होंने कहा कि करप्ट बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, कांग्रेस को एक युवा नेतृत्व की जरूरत थी। हार्दिक पटेल के रूप में उसे युवा नेतृत्व मिला, सो दोनों की जरूरतें पूरी हो रही थी। कांग्रेस और हार्दिक एक साथ हो लिए, लेकिन साथ सफर करते हुए आड़े आने लगी महत्वाकांक्षाएं। गुजरात के पत्रकार दीपल त्रिवेदी की माने तो सन 2020 में जब राजीव सातव गुजरात कांग्रेस के प्रभारी थे, तब हार्दिक पटेल ने उन पर दबाव बनाया कि भाई या तो राज्यसभा भेजिए या फिर कोई पद दीजिए। 2021 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया हार्दिक पटेल को, लेकिन वो फिर से नाराज हो गए, शायद महत्वाकांक्षाएं और बढ़ी रही होंगी। आरोप ये भी लगता है हार्दिक पटेल पर कि जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हुए थे, नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, उसमें सूरत में हार्दिक पटेल ने आम आदमी पार्टी का सहयोग किया था। पार्टी ने उनसे जवाब भी मांगा लेकिन हार्दिक ने कोई जवाब दिया नहीं। ये सब चीजें चल ही रही थी कि गुजरात कांग्रेस में नरेश पटेल के आने की चर्चाएं तेज हो गई। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा भी कि अगर नरेश पटेल आते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। नरेश पटेल के आने भर की चर्चा ने हार्दिक पटेल के मन में तनाव पैदा कर दिए होंगे। हार्दिक पटेल को पता चल गया होगा कि भाई अगर नरेश पटेल आते हैं, जो कि उन्हीं के समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो कांग्रेस में पटेलों की ताकत के कारण जो दबदबा हार्दिक रखते हैं उस दबदबे में कमी आ जाएगी। हालांकि हार्दिक इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन उनके इनकार का आधार बहुत मजबूत दिखता है नहीं। नरेश पटेल के आने की चर्चाएं हार्दिक पटेल के जाने की राह बना गई कहा जा सकता है। अब दूसरा सवाल, हार्दिक चले तो गए लेकिन जाएंगे कहां। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों में पटेल के शामिल होने की संभावनाओं की बात की जा रही है। हो भी सकते हैं, पर विकल्प तो दोनों ही खुले हुए हैं। हार्दिक चाहें तो आप ज्वाइन करें, हार्दिक चाहें तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, या फिर हार्दिक चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों विकल्पों से अलग कोई तीसरा विकल्प उनकी नजर में आ जाए। सब कुछ संभव है, लेकिन हार्दिक ने जो चिट्ठी सोनिया गांधी के नाम पर लिखी, अगर उस चिट्ठी के शब्दों पर गौर कर लें तो पता चलता है
कि हार्दिक के बीजेपी में जाने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हैं, वो बीजेपी में जा सकते हैं ताकि उन्हें राम मंदिर, धारा 370 और CAA के खिलाफ सरकार का अंध विरोध ना करना पड़े। ट्रैक रिकॉर्ड जो हार्दिक पटेल का रहा है, वो कहते रहे कि RSS की शाखाओं में वो जाते थे, ये भी इस बात की तस्दीक करता है कि हार्दिक बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। एक तीसरी बात है, आम आदमी पार्टी अभी पांव पसार रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक स्थापित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को भी पटेल समुदाय की नाराजगी की कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि हार्दिक पटेल के रूप में उसे एक युवा नेता मिले, और हार्दिक पटेल भी एक स्थापित पार्टी में जाकर अपने करियर को संवारने की कोशिश करना चाहेंगे। तो मुमकिन है कि हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि हार्दिक कहाँ जाते हैं। गुजरात में सक्रिय पत्रकारों की बात अगर माने तो एन मुमकिन है कि अगले सप्ताह तक हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस मोदी को किसी वक्त हार्दिक पटेल फेकू कहकर पुकारा करते थे, भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल हो जाते हैं तब हार्दिक पटेल उस मोदी के बारे में क्या कहेंगे। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स।